हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान पॉकेट में। दोस्तों, ये इस सीरीज़ का 27th वीडियो है, स्पोर्ट्स ऑफ झारखंड। दोस्तों, इस सीरीज़ में टोटल 30 वीडियो है जो झारखंड जीके जीएस का पूरा सिलेबस कवर करती है इन एग्ज़ाम्स के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगे आने वाले एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी भी। तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए सीखते हैं आज कुछ नया। पहला सवाल है, फेमस ओलंपियन ऑफ झारखंड निक्की प्रधान इज़ है। निक्की प्रधान जो है, इन्होंने झारखंड को रियो ओलंपिक्स में जो 2016 में हुआ था उसमें रिप्रेजेंट किया था। ये झारखंड के कुंती डिस्ट्रिक्ट से। इन्हें एशियन कप 2017 में गोल्ड मेडल मिला था, और एशियन गेम्स जो जकार्ता में हुआ था 2018 में, वहाँ पे उन्हें सिल्वर मेडल मिला था। और ये जो है एक हॉकी प्लेयर है। अब देख लेते हैं वो ओलंपियंस जो झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके नाम हैं और उनसे एसोसिएटेड स्पोर्ट्स। जयपाल सिंह मुंडा हॉकी, दीपिका कुमारी आर्चरी, वीरेंद्र लकड़ा हॉकी, माइकल किंदो हॉकी, निक्की प्रधान हॉकी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस क्रिकेटर ऑफ झारखंड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आसान है। महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी बिलोंग्स टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये भी आसान सा सवाल है, रांची। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इंडिया वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 अंडर द कैप्टेंसी ऑफ, तो इसका सही जवाब है महेंद्र सिंह धोनी। इसके अलावा जो इंडियन टीम है, इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के कैप्टेंसी के अंडर और भी कुछ ट्रॉफीज़ जीते हैं, जैसे 2007 ICC वर्ल्ड कप T20, एशिया कप 2010, एशिया कप 2016 और ICC चैम्पियन ट्रॉफी 2013। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड विथ राजीव गांधी खेल रत्न फॉर द ईयर 2006-07, तो इसका भी सही जवाब है महेंद्र सिंह धोनी। इसके अलावा इन्हें ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2008-2009 में। इसके अलावा इन्हें पद्मश्री मिला है 2009 में, और पद्म भूषण मिला है 2018 में। विच अमंग द फॉलोइंग अवार्ड हैव बीन अवार्डेड टू MS धोनी, तो अभी देखा हमने पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और पद्म भूषण भी अवार्ड भी मिला इन्हें। दिवाकर प्रसाद इज अ रिनाउड, जो दिवाकर प्रसाद है वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये स्पोर्ट्स पर्सन है और ये बिलोंग करते हैं बॉक्सिंग से। ठीक है, ये इंटरनेशनल बॉक्सर है झारखंड से। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन वुमेन बॉक्सर एंड वन गोल्ड इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन 2004 एंड 2005, तो इसका सही जवाब है अरुणा मिश्रा। ठीक है, और इसके साथ इन्हें गोल्ड मेडल मिला है वर्ल्ड पुलिस एंड फ्री गेम्स 2011 में। जयपाल सिंह द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम इन द ओलंपिक 1928 वोन द मेडल, तो इन्हें मिला था गोल्ड मेडल। जो जयपाल सिंह मुंडा है, ये कुंती डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। इनको प्रमोद पाहन के नाम से भी जाना जाता है और मरंग गोमके इस नाम से भी जाना जाता है। ये जो ओलंपिक्स हुआ था, ये हुआ था एम्स्टरडैम में। 1928 ओलंपिक गेम्स, जयपाल सिंह द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम एज विच मेडल फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो अभी देखा हमने गोल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर इज नोन एज मरंग गोमके, तो अभी हमने देखा जयपाल सिंह मुंडा जो है, इनको प्रमोद पाहन के नाम से भी जानते हैं और मरंग गोमके के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट वुमेन हॉकी प्लेयर ऑफ झारखंड हु प्लेड इन ओलंपिक्स वॉज, इनमें से कौन सी फर्स्ट वुमेन हॉकी प्लेयर है झारखंड की जिन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था, तो इसका सही जवाब है निक्की प्रधान। अभी देखा हमने ये कुंती डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, और यहाँ बात हो रही है रियो ओलंपिक्स 2016 की। फेमस ओलंपियन ऑफ झारखंड दीपिका कुमारी इज, जो फेमस ओलंपियन है झारखंड की दीपिका कुमारी, वो एक आर्चर है।
इन्हें गोल्ड मेडल मिला था 2009 में फॉर कैडेट वर्ल्ड चैम्पियनशिप। ठीक है, इसके अलावा इन्हें पद्मश्री भी मिला है 2016 में। इसके अलावा इन्हें गोल्ड मेडल भी मिला है 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में। विच प्लेयर वॉज ऑनर्ड विथ पद्मश्री अवार्ड इन 2016? तो अभी देखा हमने दीपिका कुमारी। द्रोणाचार्य अवार्ड 2013 वॉज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग एथलीट्स? इनमें से किस एथलीट को 2013 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था? तो इसका सही जवाब है पूर्णिमा महतो। ये आर्चर है और आर्चर कोच भी है। ठीक है, इनको कॉमन वेल्थ गेम्स 2018 में सिल्वर मेडल मिला था और इनको पुणे नेशनल गेम्स 1994 में भी 6 गोल्ड मेडल मिले थे। ठीक है, और ये बिलोंग करती है जमशेदपुर से। हु इज़ द फर्स्ट वुमन ऑफ झारखंड हु स्केल्ड माउंट एवरेस्ट? तो इसका सही जवाब है सी प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, 20 मई 2011 को उनकी एज थी तब 48। ठीक है, और इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है 2013 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए हॉकी प्लेयर? इनमें से कौन है जो हॉकी प्लेयर नहीं रहे? ठीक है, तो इसका सही जवाब है डी माइकल बेंजामिन लकड़ा। ये जो है ये बॉक्सिंग प्लेयर है। अशुंता लकड़ा इज ए प्लेयर ऑफ, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये जो है ये हॉकी प्लेयर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आर्चर ऑफ झारखंड? इनमें से कौन है जो झारखंड का आर्चर नहीं है? ये है सीमा वर्मा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्चर डज नॉट बिलोंग टू झारखंड? अभी देखा सीमा वर्मा। नेम द क्रिकेटर फ्रॉम झारखंड एक्सेप्ट महेंद्र सिंह धोनी, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब है वरुण ओराव। ये जमशेदपुर से है और उन्होंने अपना आईपीएल में डेब्यू किया था 2011 दिल्ली डेयर डेविल के टीम से। वरुण ओराव एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो भी हमने देखा ये क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। खेल महाकुंभ 2018 वाज हेल्ड इन, तो ये हुआ था बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम में 19 मार्च 2018 से 24 मार्च 2018 तक, और ये हुआ था रांची में। हु आर द विनर ऑफ फोर्थ इंडियन हॉकी लीग? फोर्थ इंडियन हॉकी लीग देखो ये हुआ था रांची में बिरसा मुंडा स्टेडियम में। ठीक है, तो यहाँ पे जो विनर थे वो थे जेपी वॉरियर, कलिंगा लैंसर्स को हराकर ये जीते थे। ठीक है, लक्ष्मी पडिया वोन विच मेडल इन वुमेन बॉक्सिंग इन 34th नेशनल गेम्स? तो 34th नेशनल गेम्स में इन्हें मिला था गोल्ड मेडल। ये जो 34th नेशनल गेम है ये हुआ था रांची, धनबाद और जमशेदपुर में। ठीक है, इसमें झारखंड की जो रैंक है वो थी 5th। बिरसा मुंडा स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? काफ़ी आसान सा सवाल है, ये रांची में। वेयर इज किनन स्टेडियम लोकेटेड? किनन स्टेडियम कहाँ पे है? तो जो किनन स्टेडियम है ये मल्टी पर्पस स्टेडियम है। ठीक है, पर मोस्टली यहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल के मैचेस होते हैं। ठीक है, जो ये किनन स्टेडियम का नाम है ये रखा गया था जॉन लॉरेंस कीनन के नाम पे, जो जनरल मैनेजर थे टाटा स्टील के। तो ये है जमशेदपुर में। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम इज लोकेटेड एट? तो ये है बोकारो में। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड एट?
तो ये है जमशेदपुर में, इसकी जो कैपेसिटी है वो है 40,000। नेम द स्टेडियम विच इज़ द होम ग्राउंड फॉर झारखंड क्रिकेट टीम, कौन सी स्टेडियम होम ग्राउंड है झारखंड क्रिकेट टीम के लिए? तो इसका सही जवाब है JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, ये रांची में। इसकी इनाग्रेशन हुई थी जनवरी 2013 में। द JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स वॉज इनाग्रेटेड इन विच ईयर, तो भी हमने देखा जनवरी 2013 में इसका इनाग्रेशन हुआ था। वेयर द न्यू मेगा कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैव बीन बिल्ड, तो इसका सही जवाब ऑल ऑफ द अबव। होतिहार में देखो इंडोर और आउटडोर दोनों गेम्स फैसिलिटीज़ है। मोराबादी ये रांची में, यहाँ पे फुटबॉल और हॉकी इन दोनों के स्टेडियम हैं। नामकुम ये भी रांची में। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड देयर इज़ ए आर्चरी एकेडमी रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो इसका सही जवाब है जमशेदपुर। नेम द अथॉरिटी विच इम्प्लीमेंट्स द गवर्नमेंट स्पोर्ट्स स्टेट पॉलिसी इन द स्टेट, तो इसका सही जवाब है साझा। साझा जो है ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है वो देख लेते हैं। पहला है कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है उसे प्रमोट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना फिजिकल फिटनेस को लेके स्पोर्ट्स और योगा के थ्रू, एडवाइस देना स्टेट गवर्नमेंट को स्पोर्ट्स की ग्रोथ को लेके, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना और कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करना, एक्सिबिशन ट्रेनिंग ये सारी चीज़ें भी करना। विच अवार्ड इज़ गिवन टू ट्रेनर्स एंड कोचेस, इनमें से कौन सी अवार्ड ट्रेनर्स और कोचेस को दी जाती है, तो इसका सही जवाब है जयपाल सिंह अवार्ड। ये जो है इसे ये नाम पड़ा था जो फेमस हॉकी प्लेयर है जयपाल सिंह मुंडा उनके नाम पे, और ये तीन लोगों को ही 3 persons पर ईयर एक साल में तीन ही लोगों को मिलती है। विच अवार्ड इज़ गिवन फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स, कौन सी अवार्ड मिलती है लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट के लिए, तो इसका सही जवाब है एल्बर्ट एका। ठीक है, जो भी स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन होता है उनके लिए मिलता है ये अवार्ड। अब्दुल हामिद अवार्ड इज़ गिवन टू द फॉलोइंग कैटेगरी, अब्दुल हामिद अवार्ड किस कैटेगरी के लिए दी जाती है ये पूछा गया, तो इसका सही जवाब है ये दी जाती है यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्लेयर्स को फॉर अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, बी काइंड, बी स्मार्ट।